शायद वो फाइट को फोर्स करते हुए नजर आए। अभी तो बात अपनी लूट के ऊपर फोकस कर रहे हैं और हॉस्पिटल में मौजूद हैं, आसपास उनके कोई भी टीम है नहीं। वही अगर आप इस पर्टिकुलर सर्कल की बात करें, सारी टीम हल्का सा वो सदर्न जो जोन का शिफ्ट है वो एक्सपेक्ट करके चल रही है। देखना ये कि क्या कुछ वैसा ही शिफ्ट यहाँ पर आएगा। टीम जोन अच्छे कंपाउंड के पास मौजूद है, अगर यहाँ से भी वो अपने आप को ओवर एक्सपोज नहीं करते, थोड़ा इंतजार करते हैं। ऑलरेडी वो ओवरऑल स्टैंडिंग से बहुत ऊपर है, बट अभी भी मेरे को लगता है 10 से 15 अंक जो वो चाहेंगे कि अपने आप को बिल्कुल सिक्योर कर पाए। इनसे ऊपर जो टीम है उनके पास 203 अंक है, बट ये जोन जो आप कह रहे थे कि सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सदर्न साइड जाएगा और ये जोन तो नॉर्दर्न साइड चला गया। अब PHW के पास एक एडवांटेज, बट चेली को देखो सबसे पहले गाड़ी लेकर वो निकल चुके हैं, ऊपर से न्यूमन की टीम सारे प्लेयर्स गाड़ियों के अंदर। अब यहाँ पे क्लियर होगा मेरे को सदर्न साइड से कितनी टीम्स को पुश करना है जोन के अंदर, और यहाँ पे आपको शायद 40% ऑफ टीम्स खत्म होती नजर आए। देखिए ये जोन का शिफ्ट आई एम प्रीटी श्योर कि शायद ही कोई आईजीएल हो जो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, क्योंकि आप पोजीशनिंग भी देखिए, सारी जो टीम थी वो बिल्कुल वो क्वेरी और उसके आसपास का रुकने के लिए जा रहे हैं। ये थोड़ा मुश्किल भरा जरूर हो सकता है आदित्य, वो थोड़ा ओपन में पकड़े जाएंगे, डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा आया। अभी भी उनको स्मोक करके अपने आप को बचाने की जरूरत रहने वाली है। गॉड लाइक के लिए बेहतर है कि वो साइड लाइन जहां पर मौजूद थे वहीं पर है, बट अब टीम सोल वो भी यहां पर आती हुई। वाओ, टीम सोल वर्सेस टीम गॉड लाइक वर्सेस टीम ओआर, बट जोनाथन गोब्लिन के द्वारा जोनाथन को गिराया जाएगा, खत्म भी कर दिया जाएगा। सकते हैं कुछ देर तक, बट सोल आगे जाना है, बट गॉब्लिन वो भी यहाँ पे डाउन करने जाएंगे, बट ओमेगा वहाँ पे है जो कवर देते हुए TWO भी, वो इस फाइट के अंदर जरूर एक बेहतर पोजीशन चाहते हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। टीम सोल गॉब्लिन को गवाया, ओमेगा भले ही डाउन, बट उनके पास अब 5 फिनिशेस। या वो रिवाइवल भी काफी आसानी से इनिशिएट किया जाएगा, एजेस बिल्कुल क्लियर है, और यही वो एरिया था जो ऑलरेडी टीम बॉटल के पास मौजूद था, वो सर्कल के उस एरिया की तरफ गए क्यों मैं अभी भी वो समझना चाहूंगा, बट अभी के लिए इनमिट एक्सीएस के जूसी उनको टेक डाउन किया जाएगा और ये तक करने की सोचेंगे, बट अभी बहुत समय बचा है। 9 टीम्स हैं, 24 प्लेयर्स हैं। वहीं अगर अक्षत की बात की जाए, वो फंस चुके हैं, उनके पास है नहीं एक टीवीएस के सहारे। अक्षत क्या वो यहाँ पे क्लचक बन सकते हैं? मौका तो रहेगा उनके पास, बट एचपी नहीं है। एक नॉक फिर भी उन्होंने यहाँ पे ओमेगा ने रेड टीम्स को निकाला, बट अक्षत को वो बचा नहीं पाए। सोल के नहीं हो वो यहाँ पे आए के गाड़ी के साथ स्लैमिन उन्होंने किया, जरूर एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक भी किया, बट मुश्किलें बढ़ी। लेकिन ओमेगा जब तक वो है तब तक घबराने की जरूरत नहीं। 9 फ्रैग्स टीम सोल निकाल चुकी है, जरूरत भी नहीं उनको इतने फ्रैग्स निकालने की। मुझे लगता है अब टीम सोल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे, अब यहां से सर्कल के अंदर पहुंच पाना ऐसे में माइट बी पॉसिबल कि एक खिलाड़ी जिसको हीलिंग दी जाए या फिर वो एक कोशिश, वो आउट ऑफ द बॉक्स कोशिश करने की कोशिश करते हुए नजर आए। ओमेगा स्मोक का उन्होंने वॉल बनाया और वैसे भी इंडिया सभी उनके कंट्रोल में रहने वाले हैं, और बिल्कुल जो सेंटर है सर्कल का वो खाली है, क्योंकि बिल्कुल ओपन ही सर्कल हमें देखने को मिलता हुआ, और ऐसे में सेंटर में कोई भी टीम जाना चाहेगी नहीं, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हर तरफ से उनके ऊपर शॉट आएंगे। स्क्वाड वो चारों खिलाड़ियों के साथ अभी भी जीवित है, सोल की तरफ से कुछ ग्रेनेड्स आ जरूर रहे हैं, टीम चाहती है कि वो ट्रैकर ही स्पोर्ट को यहाँ पे एलिमिनेट करे, बट वो दो खिलाड़ी अभी भी डटे हुए हैं। ह्यूमन की स्क्वाड की बात करें वो आगे जाते हुए जाएंगे, उनको कोई जरूरत नहीं थी आगे जाने की, ऑलरेडी वो एरिया नीचे लोअर रिज पे मौजूद था, और ऐसे में गिल वो आखिरी खिलाड़ी बचेंगे। ये करने की आवश्यकता आखिर क्या थी स्पीरो? पता नहीं ये क्या किया, यही तो पैनिक है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यही तो प्रेशर है जो ले नहीं पाए आप न्यूमन गेमिंग, और उनके प्लेयर्स खत्म हो गए। ड्रैगन ईस्पोर्ट्स जो खराब जगह पे थे वो आके एक बेहतरीन जगह लेंगे न्यूमन गेमिंग की जगह, बट अभी भी टीम सोल दो प्लेयर्स डटे हुए, वो नेट्स की वर्षा वो अभी भी करते हुए टीम सील के ऊपर। टीम सोल अलग लेवल पे खेलते हैं और यहाँ पे ये नेट नियो का बहुत वैल्यू निकालता हुआ एक 2v4 सिचुएशन के अंदर नेट से पूरी अपने अपोनेंट को खराब कर दिया इन्होंने। अब सिर्फ एक प्लेयर यहाँ पे बचा है, प्लेयर 3 जो रिवाइव देंगे अपने प्लेयर को, अपने साथी को, और अब 2v2 की फाइट में उनको जोन के अंदर भी जाना पड़ेगा। जो गॉड उन्होंने हेल गॉड को डाउन जरूर किया और ये ड्रैगन ईस्पोर्ट्स का राइज देखने को मिल जरूर सकता है, बट लियो वाईटी वो रहेंगे जो हेल गॉड का फिनिश अपने खाते में लेकर के जाएंगे। कल के दिन पे हमने देखा था गॉब्लिन को वो ग्रेनेड से 1v3 करते हुए, और यहां पर नियो वो 7 फिनिशेस निकाल चुके हैं। क्या एक और MVP रेस का कैंडिडेट हमें देखने को मिलने वाला है? हालांकि अभी भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, बट ड्रैगन ही जाएगा, जो यूटिलिटीज यूजेज है वो ज्यादा किया जाएगा, और THW के वो एक खिलाड़ी आप क्यों लमाओ को देखिए किस प्रकार से वो फोटेल पे बस लेटे हुए, उनको भी पता है कि यहां से आगे अगर वो जाएंगे भी तो कुछ फायदा नहीं होगा, बट कम से कम वो दूसरी टीम का गेम खराब कर सकते। चोटवट को वहां पे डाउन किया जाएगा और अब मात्र एक खिलाड़ी बचेगा नियो, वो मुश्किलें बढ़ाते हुए ड्रैगन ईस्पोर्ट्स की, और ये 8वां फिनिश जो नियो अपने खाते में लेके जाएंगे। कोई खौफ नहीं है, जहां भी प्लेयर दिख रहा है उनको खत्म करने के लिए जा रहे हो, वहां पे नेट भी शानदार तरीके से किया, अपनी बगी को उठाकर।
दिखाने के लिए, बट क्या अब वो स्प्रेज आएंगे? अभी भी नहीं वो स्प्रे आए। वो टीम सोल का गेम जरूर खराब कर सकता है ड्रैगन ईस्पोर्ट्स का आखिरी प्लेयर। के लिए रक्षक है और 5 फिनिशेस निकाल के भक्षक भी बन चुका है। बस देखना ये है कि क्या कुछ और प्लेसमेंट के पॉइंट बट नहीं नियो वो यहां पर आएंगे और ये 9वां फिनिश जाता हुआ नियो के खाते में। 1v2 की वो फाइनल बैटल 8bit वर्सेस टीम सोल। नियो ने तो आज अलग गेम प्ले दिखाया बट 8bit के बाद वो